हेलो बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा का अध्ययन करेंगे। पाठ एक मातृभूमि। इसके लेखक का कवि का नाम है भगवती चरण। सबसे पहले हम कवि परिचय को देखेंगे। कवि परिचय। कवि का नाम भगवती चरण वर्मा। जन्म दिनांक 30 अगस्त 1903। जन्म स्थान उन्नाव जिले उत्तर प्रदेश के शफीपुर गांव में। शिक्षा इलाहाबाद से बीए एलएलबी की डिग्री प्राप्त की। पत्रिकाओं का संपादन विचार और नवजीवन। उपन्यास पर फिल्म चित्रलेखा। पुरस्कार प्राप्त उपन्यास भूले बिसरे चित्र साहित्य अकादमी पुरस्कार। उपन्यास अपने खिलौने पतन 3 वर्ष टेढ़े मेढ़े रास्ते युवराज चुंडा। कहानी संग्रह मेरी कहानियाँ मोर्चाबंदी और संपूर्ण कहानियाँ। कविता संग्रह मेरी कविताएँ सविनय और एक नाराज कविता। नाटक मेरे नाटक वसीयत। इनका देहांत 5 अक्टूबर 1981 को हुआ। तो बच्चों, हम अब मातृभूमि इस पोएम को इस पद्य को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका आशय देखते हैं। इस कविता के द्वारा कवि मातृभूमि की विशेषता का परिचय देते हुए छात्रों के मन में देश प्रेम का भाव जगाना चाहते हैं। तो मैं कविता को पढ़ती हूँ। देखो, पहले पंक्तियों में क्या कहा है। मातृभू शत शत बार प्रणाम। अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम। मातृभू शत शत बार प्रणाम। तेरे उर्मे शायित गांधी बुद्ध और राम। मातृभू शत शत बार प्रणाम। देखो, कवि इन पंक्तियों में मातृभूमि को शत शत बार अर्थात 100-100 बार प्रणाम करते हैं, क्योंकि माँ की महानता ही कुछ ऐसी है। भारत माँ अमरों की जननी है, अर्थात भारत माँ ऐसे महान सपूतों की जननी है जो भारत की आज़ादी, कल्याण और प्रगति के लिए लड़े और अपने प्राणों का बलिदान करके अमर हुए हैं। अमर अर्थात जो कभी नहीं मरता, जो अपने श्रेष्ठ कर्मों से, सेवाओं से मरने के बाद भी याद किए जाते हैं। तेरे उर्मे शायित गांधी बुद्ध और राम अर्थात मातृभूमि के उर्मे उर अर्थात हृदय में अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी, शांति और अहिंसा के दूत गौतम बुद्ध, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम शायित हैं। शायित अर्थात सोए हुए हैं, हृदय में विराजमान हैं। इस तरह कवि मातृभूमि की महानता का परिचय देते हुए माँ को शत शत बार प्रणाम करते हैं। अब दूसरा पद्य भाग देखिए। हरे भरे हैं खेत सुहाने, फल फूलों से युत वन उपवन। तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक धन। मुक्त हस्त तू बांट रही है सुख संपत्ति धन दाम। मातृभू शत शत बार प्रणाम। इन पंक्तियों में कवि भारत माँ के प्रकृति सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे माँ, तेरे हरे भरे खेत कितने सुहाने हैं। सुहाने अर्थात सुंदर। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ के वन अर्थात जंगल और उपवन, उपवन अर्थात बाग बगीचा, इस तरह के तरह तरह के फल फूलों से भरपूर हैं। इसके साथ साथ मातृभूमि के अंदर तो खनिजों का व्यापक धन भरा हुआ है।
ये खनिज क्या है? खनिज ऐसे भौतिक पदार्थ हैं जो खान से खोदकर निकाले जाते हैं, जैसे लोहा, कोयला आदि, जिसके वजह से भारत माँ समृद्ध है। धरती के अंदर जो अपार खनिज संपत्ति भरा हुआ है ना, उसे माँ अपने लिए नहीं रखती, उसे माँ मुक्त हस्त से, हस्त अर्थात हाथों से, बिना किसी भेदभाव के सबको बांट रही है। इस तरह अपने बच्चों को सुख संपत्ति धन धाम, धाम अर्थात घर प्रदान करने वाली मातृभूमि को कवि बड़े आदर भाव से शत शत बार प्रणाम करते हैं। अब अंतिम पद्य भाग देखिए। एक हाथ में न्यायपता का ज्ञान दीप, दूसरे हाथ में जग का रूप बदल दे हे माँ, कोटि कोटि हम आज साथ में। गूंज उठे जय हिंद नाद से सकल नगर और ग्राम, मातृभू शत शत बार प्रणाम। इन पंक्तियों में कवि मातृभूमि के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भारत माँ अपने एक हाथ में न्याय पताका, पताका अर्थात झंडा, और दूसरे हाथ में ज्ञानदीप लिए हम सबका मार्गदर्शन कर रही है। कवि मातृभूमि से यह प्रार्थना करते हैं कि हे भारत माँ, तुम न्याय और ज्ञान दीप से इस जग का रूप बदल दो, अज्ञान दूर करके ज्ञान का प्रकाश फैलाओ। आज हम कोटि कोटि भारतवासी तेरे साथ हैं। हे माँ, तुम्हारी कृपा से सकल नगर और ग्राम में जय हिंद का नाद गूंज उठे। गूंजना अर्थात प्रतिध्वनित होना, और हम सब भारतीय इसी तरह परस्पर सहयोग से मिलजुल कर रहें, इस तरह अपने बच्चों को एकता के सूत्र में वाली भारत माँ को कवि बड़े आदर भाव से शत शत बार प्रणाम करते हैं। धन्यवाद।